हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजकमल। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के टूल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वेब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, इलस्ट्रेटर क्या होता है, फोटोशॉप क्या होता है, उसमें डिफरेंट क्या होता है, इसके अलावा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं। और कई साथ साथ इसके अलावा मैंने हम लोगों ने जाना था कि कुछ टूल्स के बारे में, इलस्ट्रेटर के कुछ टूल्स के बारे में, जैसे कैप्चर टूल्स, सेलेक्शन टूल्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, पेंट टूल के बारे में जानना था। तो गाइस ये सब टूल हम लोगों ने काफ़ी दो तीन तीन चार आई थिंक तीन चार हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो यार आज के इस वीडियो में ना हम लोग आगे नेक्स्ट टूल्स को समझेंगे कि नेक्स्ट टूल कैसे काम करता है, क्या उसमें उसके यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जाके आप पहले पिछला वीडियो देख लें। तो यार मैं यहाँ पे एक टॉपिक ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले एक बोर्ड लेता हूँ, ठीक है, आर्ट बोर्ड लेता हूँ। आर्ट बोर्ड की मैं साइज रख सकता हूँ 10 80 10 80। ये 10 80 10 80 जो होती है ज़्यादातर इंस्टाग्राम के लिए होती है, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए। तो मैं 10 80 10 80 रख लेता हूँ यहाँ पे साइज। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 10 80 10 80। चलो ये क्रिएट किया और यहाँ पे पॉइंट है, इसको पिक्सल में ले लेते हैं हम लोग। पिक्सल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी ये रेक्टेंगल होगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर ही होगा। रेक्टेंगल वगैरह कोई चांस ही नहीं, क्योंकि 10 80 10 80 से उसके सारी जितने भी पॉइंट हैं सारे बराबर हैं। तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँगा और ये क्रिएट हो गया। ओके, तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोगों ने सिलेक्शन टूल पढ़ लिया था, उसके बाद डायरेक्शन सिलेक्शन ने भी पढ़ लिया था, हम लोग जान लिए थे। पेंट टूल भी हम लोगों ने जान लिया था और कैप्चर कर्वेचर टूल भी हम लोगों ने समझ लिया था। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोगों का है रेक्टेंगल टूल्स। देखिए रेक्टेंगल टूल्स में बेसिकली क्या क्या होता है हम लोग ये जानते हैं। इस पे बस क्लिक करो या राइट क्लिक कर दो, आप इस पे बस राइट क्लिक करो, आपको रेक्टेंगल टूल्स के साथ साथ जितने भी टूल्स हैं, एलिप्स टूल्स है, पॉलीगॉन टूल्स है, स्टार टूल्स है, लाइन टूल्स है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कैसे काम करते हैं मैं आपको फटाफट बताता हूँ। हालांकि जैसे आपको स्टार्टिंग में आपने जब पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मैंने क्या बताया था, एग्जैक्टली आपको मैंने ये बताया था कि आप जो भी टूल्स हैं, ठीक है, अब जितने भी टूल्स हैं उसमें सबसे पहले मैंने इसी का यूज़ किया था, इसी रेक्टेंगल टूल्स का यूज़ किया था मैंने। बट उसके बारे में बताने तक मैं बोलूँगा कि आप, मैं बोला था आपसे कि मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा। देखो यार, अगर इलस्ट्रेटर यूज करने का मतलब ही हो जाता है कि आप कोई ना कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हो, मतलब कोई इलस्ट्रेटर, कोई कार्टून हो गया, ये सब चीज़ डिजाइन कर रहे हो। तो भाई देखो, रेक्टेंगल टूल्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा, मतलब पूरे इलस्ट्रेटर में विदाउट रेक्टेंगल आप कुछ बना ही नहीं सकते। क्योंकि रेक्टेंगल टूल्स हो गए, एलिप्स टूल्स हो गए, मतलब इन्हीं की मदद से आप सारा कुछ ड्रा करना सीखते हो। ठीक है, आपको बड़े से बड़ा कार्टून बनाना तो इसी सब की मदद से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल, एलिप्स टूल्स। तो गाइस इन सब टूल को यूज कैसे करना होता है मैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ब्रश टूल्स और टेक्स्ट टूल्स ये सब भी समझेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं। मैं देखता हूँ कहाँ तक कवर कर पाता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल टूल्स की बात करें, रेक्टेंगल टूल्स का मैंने आपको यूज बता दिया कि इसका यूज सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप कोई भी कुछ भी फिगर ड्रा करते हो तो वहां पे रेक्टेंगल टूल्स, एलिप्स टूल्स, इस सब का यूज होता है। इसमें यूज करने के लिए सिंपल सी इसमें भी है, बस इस पर क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल्स की नीचे तो हमें रेक्टेंगल टूल्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, ये खाली जगह, इसमें कहीं पर भी अपने जो माउस है आपका, जो भी आपका माउस है, उस माइस माउस के राइट क्लिक को, राइट जो बटन है आपका उसको क्लिक करिए। ठीक है, सॉरी आपका जो लेफ्ट बटन है, सॉरी जो आपका लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके उसको ड्रैग करिएगा, ड्रैग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी गाइस इसमें चाहो तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हमने ऐसे ड्रॉ किया और इसके बाद अभी ये दो आप देख सकते हो कि ये दोनों इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट इसके पीछे है और ये जस्ट इसके आगे है। ओके, आई होप आप क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या काम है हमारा, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये तो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब गाइस इसके अलावा एक और तरीका होता है इसको यूज करने का, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग कहीं पर भी इस पर बस ऐसे क्लिक करके छोड़ देंगे। अब हमें किस शेप में चाहिए होगा, ठीक है, अब हमें ये जो हमारा रेक्टेंगल जो बनाएंगे, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बनाते हैं, तो मैं किस शेप का बनाऊंगा, तो वृत्त और उसकी हाइट क्या होगी। तो मैं यहाँ पे वृत्त ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 10 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे 10। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये 10 पिक्सल 10 पिक्सल का इसने बना के रख दिया। आप ये देखो, अब मैं फिर से करता हूँ और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो शायद समझ में आया आए आपको। मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 500। ठीक है, 500 ले लेता हूँ और यहाँ पे भी इसकी हाइट भी 500 ले लेता हूँ। ओके चलो,
तो हमने 500 500 लिया, तो एक गाइस ये क्या क्या इसने डायरेक्टली आपको एक बना के दे दे 500 बाई 500 को। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, वो रेक्टेंगल जिसकी एक फिक्स साइज हो, तो उस फिक्स साइज के लिए आप ये इस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे बस क्लिक करो, कहीं पर भी क्लिक कर दो, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा आपको अपना डेटा फिल करने का, वहां पे डेटा फिल करो और उसके बाद देन आप अपने हिसाब से यूज करो। चलो इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, ये हो गया रेक्टेंगल का यूज। और इसका यूज में क्या कर सकते हो, और अभी इसके अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको ऐसे रहने देते हैं, कुछ हम लोग छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, और शायद आई थिंक आप लोगों ने पहले बहुत बनाया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आता है एलिप्स टूल्स। देखो एलिप्स टूल्स का मतलब होता है सर्कल। ठीक है, एलिप्स टूल्स का मतलब है यहाँ पे सर्कल बनाने का। तो वैसे अगर मैं कोई भी ऐसे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे भी, जिस सेम इसका सारे का प्रोसेस एक ही है, बस क्लिक करो और उसको ड्रैग करो। ये देखो ये पूरा, अभी अगर सही से बनाओगे तो आपको ये पूरा टोटली पूरी तरह से सर्कल में है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल में है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें भी सेम ऐसे ऑप्शन होता है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करो अगर आप चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 400 और 400, 400 बाई 400 का मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। तो 400, एक मिनट, 400 ये बनाया, और ये देखो एक कंप्लीट सर्कल आ गया, कंप्लीट पूरी तरह से सर्कल, मतलब पूरी तरह से क्या है, गोल है। ओके, आपको आपको आई होप आपको क्लियर हो। सेम उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सर्कल बना दिया। अभी गाइस हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एलिप्स टूल्स का आपको आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल्स का क्या है, सिंपल। अब देखो अभी जैसा आपको शेप से लग रहा है, तो मतलब कि इसमें क्या है, स्टार है। ठीक है, और सॉरी इसमें 5 भुजाएं, सॉरी 6 भुजाएं हैं। ठीक है, हिंदी समझते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये देखो ऐसे सिंपल इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ सबको, मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, बस इस पे सिंपल से क्लिक करो पॉलीगॉन पे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो। और सेम इसमें भी ऐसी ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाहो तो इसमें साइड में देखो, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, मैं यहाँ पे रेडियस कर लेता हूँ, मैं रेडियस ले लेता हूँ, मान चलिए कि मैं लेता हूँ 400। ठीक है, और यहाँ पे साइड कितने होंगे, आपने जैसे यहाँ पे ये जो कोन है, जो जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ पे कोने में जो लिखा है, ये जो आप कोन देख रहे हो, ये कोन की साइज नंबर कितने होने चाहिए, ये साइज कितने नंबर के होने चाहिए। मैं लिख लेता हूँ कि मैं, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं रख देता हूँ 20। ठीक है, अब ये मुझे 20 साइड बना के दे देगा। अभी क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये 20 साइड हो गया, तो 20 साइड कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर सॉरी डिलीट करता हूँ और मैं फिर से एक बार क्लिक ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर क्लिक किया, और मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 10 किया और देन ओके किया। अभी देखो यहाँ पे 10 साइड बना के इसने मुझे दे दिया है। सो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको सिंपल सा थोड़ी सी सोचना है, थोड़ी सी दिमाग लगानी है। मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे आती है स्टार। स्टार पे भी सेम ऐसे प्रोसेस है, आप इस पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो, ये स्टार बन जाएगा। और अगर आप इसकी संख्या बढ़ाना चाहते हो तो उसके भी टेक्निक है, यहाँ पे डिलीट करो और यहाँ पे फिर से सॉरी राइट क्लिक करना, ये हो गया। और मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके मैं छोड़ दिया। यहाँ पे पूछ रहा है पॉइंट कितने पॉइंट चाहिए, मतलब जो वहाँ पे कोने में जो उसके पॉइंट बने कितने पॉइंट चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, चलो मैं 10 लेता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। अब ये देखो टोटल काउंट करोगे कितने पॉइंट बन गए, 10। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, इस तरह के चीज हम लोग सूर्य बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब स्टार के यूज करके, जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अगर लूँ तो यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे लिया। वेज बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपल यहाँ पे हमें बनाना है। जस्ट सपोज हमें एक सूर्य बनाना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट क्या बताता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100, मैं 100 करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो बन गया थोड़ा सा स्टार टाइप। और अगर हमें थोड़ा सा, अगर हम लोग इसमें कलर फिल कर दें, जैसे आप एग्जांपल के लिए आप देख लो, मैं यहाँ पे कलर फिल कर लेता हूँ, अब ये देखो थोड़ा सूर्य जैसा कुछ कुछ बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इसमें बॉर्डर है, मैं यहाँ पे स्टॉक इसका जो है एकदम कम कर देता हूँ, मैं ख़त्म ही कर देता हूँ सीधे, और देखो अभी ये हो जाएगा। अभी गाइस मैं आपको सब सब सिंपल बताऊँ, अभी आपको अभी इसको काट भी सकते हैं, बट मैंने अभी काटने वाला आपको नहीं बताया, जो भी नेक्स्ट टूल में है। तो अभी कैसे बना सकते हो एक सूरत में, वो बता रहा हूँ आपको, बस सिंपल। अभी कुछ मत करो, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो सिंपल से इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे करो, इसको फ्रंट पे, ये देखो बन गया सूर्य आपका, बहुत सिंपल, ये छुप गया आपका और एक सूर्य बन गया यहाँ पे। ओके, तो
बस ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल आसान है गाइस। अभी बहुत सारे इसमें ट्रिक हैं, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको भी प्रैक्टिस में थोड़ा सा हो जाए इस सब चीज़ की। एक बार ही अगर मैं आपको सारे टूल्स बताऊंगा तो ये पहली बात वीडियोस और ये क्लासेस बहुत ही लंबी हो जाएंगी और आपको भी थोड़ा लेंदी लगेगा। तो धीरे धीरे जितना मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप बराबर समझते रहो। हाँ, अपने से काम करते करते धीरे धीरे खुद ही आप प्रैक्टिस में आएगा तो आप खुद ही शॉर्टकट की यूज करना शुरू कर दोगे। ओके, तो भी मैं बहुत, क्योंकि अगर एक एक टूल को अगर एक्सप्लेन किया जाए, प्रॉपर एक्सप्लेन मैं करूँ तो यार बहुत वक्त लग सकता है। बट हम लोग यहाँ पे वक्त लगाने वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको जल्द से जल्द सीखना है। ओके, मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें क्या है जो एक्स्ट्रा है, वो जो जिसको आप बाद में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो तो वो सीखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। और नेक्स्ट हमारा स्टार हो गया और इसके बाद लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का जस्ट सिंपल से फंडा, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया और सॉरी ये लेंथ होगी, मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और इस यहाँ पे क्या है सिंपल, देखो ऐसे करके हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। फिर यहाँ पे लिए और हम लोग यहाँ सॉरी हम लोग यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। ओके, और यहाँ पे सेम लेके इसको ऐसे मिला देंगे। ओके, अभी आपको लग रहा हो कि ये दिख क्यों नहीं रहा है, तो यार देखो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। अभी देखो यहाँ पे ये दिखेगा, ये देखो दिखेगा। अभी यहाँ पे क्लिक करो और इसमें भी कलर फिल कर दो, मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे लेके जाओ कर्सर को और इसको भी कर दो ब्लैक। ओके, बहुत ही सिंपल आसान है। अब मैं एक छोटा सा सूर्य बनाता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको ऐसे और मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इधर और ये देखो कुछ इस तरह से हो गया। अभी ये अभी मैं यहाँ पे एक सूर्य सूर्य बना लेता हूँ, सूर्य। ठीक है, मैं इस सूर्य बनाएंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपने भी वो प्रैक्टिस नहीं की। चलो मैं एक छोटा सा इमेज यहाँ पे रख लूँगा कोई भी, चलो मैं यहाँ पे छोटा सा इमेज रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से बैक से हटा दूँ तो ये व्हाइट हो जाएगा और ये पूरे व्हाइट कैसे चला जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेंड टू बैक, मैं एक बार और इसको लाऊंगा और सेंड टू फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा। फिर से करता हूँ एक बार सेंड टू फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फॉरवर्ड, एक बार ट्राई करते हैं। चलो ये आ गया। ओके गाइस, देखो इस अभी क्या लग रहा है कि ये जो जो यहाँ पे जो इमेज लगी है, ये इमेज ऐसा लग रहा है कि ये इमेज जस्ट इस दीवार पे है, एक चार वॉल है और जिसमें एक तरफ से व्हाइट व्हाइट का पूरा दिख रहा है हमें और उधर से बगल से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है। तो कैमरे का व्यू भी आप इस तरह बना सकते हो, कैमरे के सिंगल से आप कोई भी चीज देख रहे हो, तो ये एक आपका व्यू भी हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे आई थिंक आपने रेक्टेंगल वाला जो टूल है पार्टी आपने समझ लिया प्रॉपर, और इसमें और कुछ स्पेशल है नहीं। और बाकी हाँ कुछ पॉइंट तो कुछ ना कुछ पॉइंट अभी है जो आपको एक्स्ट्रा सीखना है, बट उसको धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। ओके, चलो मैं यहाँ पे इसको रेक्टेंगल हमेशा सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद है ब्रश, ठीक है, पेंट ब्रश, जिसको पेंट ब्रश बोलते हैं। इसमें पेंट ब्रश का जिस सिंपल आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पेंट ब्रश है तो मतलब इसमें पेंटिंग करना ही करना है। ओके, तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ पूरा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे और जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, बस पेंट कर लेता हूँ। मैंने लिया और कुछ भी, जैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, छोटा सा मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सर्कल ये ले लिया। अब देखो गाइस अभी क्या करना है, इसको पेंट ब्रश को ब्रश करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्रश और यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको ब्रश कर सकते हैं अपने मर्ज से। अब इसको लो और बारीक से बहुत अच्छे ढंग से इसको क्या कर दो, ये कर दो, क्या कर दो, ये कर दो, क्या हो जाएगा फील, यहाँ पे ब्लॉब ब्रश, तो इस एक ब्लॉब ब्रश है। अब इसमें क्या किया है, देखो सिंपल यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इससे खींचा स्किन, अभी देखो ध्यान से ये खींचा और ये देखो हम लोग कितना भी इसको टेढ़ा खींचे ये देखो ऑटोमेटिक से गया। इसे क्या बोलोगे आप, ब्लॉक ब्रश। ओके, जस्ट सिंपल है ड्रॉ करने के लिए। फिर
फिर क्या है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का मतलब है कि बहुत ही पतला होगा, इसको जैसे चाहो अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे एक साइन मारना है, जैसे मैं लिखना है राज कमल कमल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक ब्रश पेंटिंग का एक टूल हो गया, जिसमें आप पेंसिल टूल यूज करते हो। बहुत सिंपल है, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी क्या करते हैं इस सब कुछ सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं डिलीट। मैंने क्या किया, बस सिंपल यहां से ऐसे मैंने क्या किया यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे पूरा ड्रैग किया और एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अभी आप लोग के लग रहा हो कि अभी अभी क्या हो गया अचानक ये, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इस पे क्लिक करोगे, अभी क्या हुआ था अचानक मैं बता रहा हूँ। देखो इस पे क्लिक करो, मुझे चाहिए कि ये जो पूरा पार्ट है ना, मैं इसको पूरा बाहर यूज करूँ। देखो अभी क्या चाहिए मुझे, ऐसे पूरा मैं बाहर यूज करूँ। अभी देखो मैंने कुछ भी बनाया और ये मैं इसको बाहर बना के देख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों, ये क्या हो गया, बस सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको खींच के ऐसे निकालोगे, ये निकल जाएगा ऑटोमेटिक, अलग हो जाएगा। मतलब जो आर्ट बोर्ड है आप ये बाहर ला सकते हो और अपने अनुसार इस पर काम कर सकते हो। बस यहाँ पे लाए, अब यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने अनुसार आप। फिर अगर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं यार इस तरह से परेशानी हो रही है, या तो स्क्रीन छोटा है किसी रीजन से, तो आप इसको ऐसे ले जाओ और यहाँ पे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके चलो पेंसिल टूल के बाद गाइस आता है टाइप टूल्स, जिसको आप टेक्स्ट टूल भी बोल सकते हो। यार देखो टेक्स्ट में जो कि मैंने स्टार्टिंग से इस चीज़ का यूज किया था, बट अभी क्या है प्रॉब्लम क्या है ना, कि एग्जैक्टली टेक्स्ट टूल यूज क्यों किया था, कैसे यूज करते हैं, उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके भी कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक कैसे समय वो उसको कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम सिंपल है टाइप टूल। टाइप टूल का काम ही है बस यहाँ पे क्लिक किया, टाइप किया, और जैसे मुझे लिखना है कि मैं लिखता हूँ रामा, सॉरी मैं लिखता हूँ कमल डीएनपी। मैं क्या लिखता हूँ कमल डीएनपी, मैं लिखता हूँ कमल डीएनपी, लिखा। सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सिलेक्शन टूल का यूज करके यहाँ पे इसको फिर से अपने अनुसार इसको ड्रैग कर लेंगे थोड़ा से। बस इसमें बड़ा करने के लिए क्या होता है, इस पर कोई भी ऐसा लेके जाओ कोने पे, जो भी कोना पड़ा हुआ है इस पे ले आकर ड्रैग करो, और जो माउस है माउस का लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो और ये इस तरह क्या कर दो, इसको ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली बड़ा छोटा हो जाएगा। ओके सो आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल है। अब इसके बाद रेक्टेंगल्स, सॉरी ठीक है। अभी अगर मुझे इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, इसकी साइज चेंज करना है, इसमें कुछ बॉर्डर लगाने हैं, तो कैसे लगा सकते हैं। देखो कलर चेंज करने के लिए सिंपल है, फिल पे जाओ, कलर फिल कर लो, यहाँ पे जो भी कलर चाहिए होगा, पीला येलो रेड नीला काला हरा पीला व्हाइट सफेद, जो भी चाहिए वो सारा कलर यहाँ पे फिल कर सकते हो अपने अनुसार, फिल कर लो। ओके जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेड कलर है ठीक, सॉरी ब्लैक है, मैं इस ब्लैक में क्या करूँगा, सीधे सिंपल और सिंपल आसान है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको रेड रेड कलर कर लेता हूँ। अब क्या करना है सिंपल है, और यहाँ पे हमें चेंज करना है इसका फॉन्ट। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स पे आओ, कैरेक्टर पे आने के बाद यहाँ पे लिखो, अभी अच्छा मुझे इसका बॉर्डर भी बनाना था, एक मैं छोटा सा बॉर्डर बना लेता हूँ, चलो मैं बॉर्डर ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। ये हल्का सा बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। अब वैसे यहाँ पे जाओ कैरेक्टर में, कैरेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा जो भी फॉन्ट है उस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे फॉन्ट आपके सिस्टम में जो फॉन्ट इंस्टॉल होगा वो सारे के सारे फॉन्ट आपको देखेंगे देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। ओके मैं यहाँ पे बोल्ड ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट दिए, जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ कमल डीएनपी बोल्ड, ये वाला मुझे ठीक लगा फॉन्ट, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। आपके केस में जो आपको अच्छा लगे आप अपने अनुसार वो फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब सॉरी अपने हिसाब से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ओके चलो यहाँ पे फिर फोन के जिस कैरेक्टर के हम फोन से लिख के यहाँ पे इटैलिक चाहिए होगा, नहीं बोल्ड चाहिए होगा, किस फॉन्ट में कैसा आपको चाहिए, किस शेप में चाहिए होगा ये आपको बता देगा। यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे सिंपल है कि आप कितना भी उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैनुअली भी आराम से आराम बढ़ा सकते हो विदाउट कोई ड्रैग एंड ड्रॉप के। ओके अगर मुझे यहाँ पे अगर जैसे कमल डीएनपी लिखा है जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मैंने आपको बताया तो मैं आपको बट फिर भी बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ के और HD। अगर मुझे गाइस अगर मुझे मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे अगर इन दोनों के बीच का गैप बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो इस पे क्या सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके बीच के देखो आप गैप बढ़ा सकते हो। ओके
मैं फिर से कम करना चाहूँगा तो इसको मैं कम कर सकता हूँ। मैंने इसको घटाया बढ़ाया और इसके पास ले गया मैट्रिक्स रोमन वनली। ओके चलो ये हो गया। अब गाइस हम लोग अगर हमें यहाँ पे जो फॉन्ट है या तो किस शब्दावली में इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है, किस किस तरह की लैंग्वेज पे आप इसको देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसमें चेंज फेरबदल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्टिकल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स रोमन वनली में अगर लिखना चाहता हूँ तो वो सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके चलो अब गाइस अगर मुझे ये जो फॉन्ट लिखा है, इस फॉन्ट के बीच में जो ये वर्ड लिखे हैं, जो वर्ड लिखे हैं, अगर मुझे उसके बीच की जो साइज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे आप? यहाँ से क्लिक करो और ये ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे भी मैं फिलहाल इसको ले लेता हूँ 15, 15 लेके कंप्लीट करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। ओके बहुत सिंपल है, पैराग्राफ है ये, पैराग्राफ आप बीच में डाल दो, ठीक है। आप सॉरी पैराग्राफ आपको कैसे सेलेक्ट करना, आप आई होप आपने कुछ वर्ड वगैरह कभी यूज किया हो तो आपको आइडिया होगा ही, ठीक है, कि किस किस टाइप के पैराग्राफ होते हैं, राइट लेफ्ट या तो आप सेंटर में करना चाहते हो तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके ठीक है गाइस, उसके बाद है बुलेट्स या नंबर। अगर मुझे चाहिए, अगर मैं ये सारे कुछ बुलेट में चाहिए होगा, मुझे नंबर में चाहिए होगा, तो मैं बुलेट्स या नंबर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने अनुसार, बहुत ही सिंपल आसान। अब यहाँ पे हटाते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट है हमला हमारा है टाइप ऑन पाथ टूल। जैसे अगर नाम से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो पाथ का मतलब है कि किसी रास्ते पे टाइप होगा, मतलब कोई भी पाथ हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लूँ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया और राइट क्लिक किया एलिस टूल पे, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ये पूरा सर्कल वाला। और कैसे अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप ऑन पाथ टूल, पाथ टूल पे क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो टाइप ऑन पाथ टूल हो गया। अभी क्या करेगा ये, जैसे मैं लिखता हूँ कमल TNP, अभी देखो ये क्या किया इसने, पूरा पाथ इस पे जो है इस पे उसने क्या कर दिया, इस पूरे राउंड राउंड पे क्या कर दिया इसने, इसको पूरा फैला दिया। अभी मैं इसमें कम कर लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कम करूँगा, ये देखो इसे क्या किया मैंने, इसको क्या कर दिया, कमल जैन भी करके ये देखो मैंने क्या इसका साइज छोटा कर दिया। अब गाइस सेम इसी तरह अगर आप कुछ भी लेते हो, अगर आपको जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल में लिखना चाहता हूँ, तो ये देखो पार्ट टूल पे क्लिक किया और ये देखो, सॉरी 1 मिनट, इसके पार्ट पे क्लिक किया और ये देखो, बहुत ही सिंपल आसान होगा। मैं यहाँ पे हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमल DNP। ओके मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ। ओके पाथ ऑन टूल का मतलब बस ये होता है। अब इसको कैसे सेट करना होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा, तो उसमें समझेंगे कि कैसे किसी टूल्स का यूज करके कैसे उसमें नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे नई नई चीजें बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे। ओके बट अभी हम लोग टूल्स के यूजेस सीख रहे हैं, तो टूल्स के यूजेस में बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ हमने क्लिक किया और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको सेंटर में करना होता है, सेंटर में करने के बाद इसको कैसे आप पूरी फिक्स रूप से इसको अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग दे सकते हो, तो ये सब हम लोग समझते हैं। जैसे अगर अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, तो अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, अगर मुझे सिंपल, अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मुझे ये जो उसको बीच में करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको घुमाऊंगा और ये देखो ये हो गया बीच में हो गया, समझ लीजिए क्या। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई आप कोई प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बना रहे हो तो उस टाइम ये सब चीजें यूज होती हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल टाइप टूल। यहाँ पे बस सिंपल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो ये वर्टिकली हमें पूरा यूज लिख के देगा। जैसे मैं लिखता हूँ कमल DNP का, मैं लिखता हूँ कमल DNP, देखो लिख दिया कमल DNP, बहुत आसान हो गया, सिंपल तरीका है, इसने कमल DNP ऐसे लिख दिया वर्टिकल, इसका यही यूजेज है। ओके बहुत सिंपल आसान हो गया, आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टूल का है, क्या है गाइस, कि अभी मैं थोड़ा सा सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी हमें यार रोटेटर टूल का यूज करना सीखेंगे, और रोटेटर टूल के सबसे पहले मैं आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। रोटेटर टूल बेसिकली क्या काम करता है आपकी, कि कोई भी चीज को हमें एक फिक्स सेंटर से कोई चीज कॉपी करके ढेर सारा बनाना हो तो बना सकते हो। कैसे मैं दिखाता हूँ, एक बड़ा सा रेक्टेंगल लिए, छोटा सा रेक्टेंगल सॉरी बड़ा सा सर्कल लेते हैं, फिर उसके उसके पास एक छोटा सा सर्कल लेके हम मैंने
मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अच्छे इसको सेलेक्ट करके अब मैं करता हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर रोटेटर जो टूल है इसको ठीक बड़े वाला जो सर्कल है इसके जस्ट सेंटर में ला के छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सेंटर में ला के इसको जस्ट छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो इसमें जो पॉइंट निकल रहा है इस पॉइंट को हम लोग सेंटर में ला के इसको छोड़ देंगे। ओ गाइस, जैसे ही सेंटर में ला के आप इसको छोड़ोगे, अब हम लोग गाइस क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसके चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, बहुत आसान होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गाइस यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप अल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करोगे, उस पॉइंट पे अल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है, 180 ले लो, वहाँ पे रेक्टेंगल आप जो भी लेते हो 180 लो, 260 लो, या तो जितना आपको घुमाना है जितना घुमाना है वो आप कर ले। तो मैं 180 ले लेता हूँ, 180 डिग्री पे इसको मूव करा के मैं सारा इसको सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। और जो मेन होगा सर्कल जो हमारा है ये आपका बीच में है, ठीक है, उसी के रेडियस को लेते हुए पूरा हम लोगों ने मूवमेंट पूरा ये जो छोटे छोटे जो सर्कल है वो बना दिया हमने, कम्प्लीटली हो गया। आप देख सकते हो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बट इसमें हमें एक कलर फिल करना है गाइस। ये जो राउंड देख रहे हो ये राउंड को हमें क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ ये राउंड पूरी तरह से रेड हो जाए, ठीक है। और जो ये बीच में जो बड़ा सर्कल है इसका कलर कुछ मैं और डिफरेंट हूँ। तो यार इसके लिए देखो क्या करोगे, अगर मैं इसको एक साथ मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, देखो अभी मैंने सेलेक्ट किया, ये तीन चार ही सेलेक्ट हो गया हुआ है, ठीक है। और मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो मतलब बीच में बड़ा वाला भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यार ऐसे में क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे में एक टेक्निक होगा हमारे पास कि अगर अभी देखो मैंने यहाँ बड़ा सेलेक्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक टेक्निक ये हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे सिंबल ये छोटा वाले को मैं करूंगा, फिर एक शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं दूसरे वाले को सेलेक्ट करूँ, फिर तीसरे वाले को सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करके, मतलब ये सारा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो कुछ ऐसा टेक्निक हो जिसमें कि ये सबको आसानी से मैं कर सकूँ। तो यार देखो आसानी आसान तरीका, सबसे पहले मैं बड़े वाला जो होगा इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और मैं ऑब्जेक्ट पे जाके मैं सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाकर मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा इसको। अब मैं लॉक करूंगा, अब गाइस मैं ये लॉक हो चुका है, अभी इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। तो देन की अब ये छोटे छोटे जो सर्कल है मैं इसको एक साथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कलर फिल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया, अब मैं ऑब्जेक्ट पे जाके अगेन इसको अनलॉक कर दूंगा, और ये जो बीच वाला सर्कल है इसको मैं जो भी कलर फिल करना चाहूँ, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे ये कलर चूज कर सकते हो, बहुत सिंपल आसान होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो यार छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, एक छोटी सी लीफ का सर्कल बनाएंगे, लीफ मतलब पत्ती जो होती है, जो पेड़ की पत्ती होती है, मैं उसका एक सर्कल बनाऊंगा बनाऊंगा। छोटी पत्ती बनाने के लिए क्या करोगे, पहले दो सर्कल ले लेते हैं हम लोग, एक और सर्कल मैं यहाँ पे लूंगा, और दोनों को क्रॉस करते हुए कुछ इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। और अब क्या करना है गाइस कि हमें इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ बस, जस्ट चलो सिलेक्शन टूल से मैं इसको मैं थोड़ा सा अभी एक मिनट, ओके चलो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे पाथ फाइंडर से मैं इसको कटिंग कर देता हूँ इसको, ठीक है। एग्जैक्टली ये कटिंग होगा, और जैसे परफेक्टली ये कटिंग हो गया, अब मैं क्या करूँगा, देखो परफेक्टली कटिंग हो गई, ये लीफ की पत्ती की कटिंग हो चुकी है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी करके मतलब कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर दूंगा, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका दो 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 लीफ बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करूंगा, रोटेट करके इसको इस तरह से सेट करूंगा ताकि ये पत्ती की जैसा सेट हो जाए। ओके, मैं इसको एक मिनट जस्ट सेट कर लेता हूँ। ओके, ये परफेक्टली सेट हो चुका है। थोड़ा बहुत पहली बात तो मैं इसमें थोड़ा सा दूंगा एक स्टॉक दे दूंगा, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर दूंगा ताकि परफेक्टली ये सेट हो जाए और थोड़ा सा ठीक लगे, और ये समझ में आए कि नहीं दोनों अलग अलग पत्तियां हैं एक ही में नहीं है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप सेट कर लो, ठीक है। चलो ऐसा अभी परफेक्टली इसको थोड़ा सा और जूम करके करें तो और भी परफेक्टली और भी इसमें स्मूथ आएगा, बट अभी ठीक है, अभी हम लोग और ज़्यादा टूल्स नहीं जानते, तो जितना जानते हैं उसी के साथ हम लोग बनाते हैं। तो मैं सेलेक्ट करके पहले दोनों को ग्रुप में कर लूंगा ताकि दोनों को दोनों एक हो जाएं। ओके, ग्रुप करने के बाद कैसे एक बड़ा सा सर्कल लेंगे ताकि हमें इस जो बड़े से सर्कल के चारों तरफ ये पूरा हमें रोटेट करना है। हम लोग एक मिनट इसको लाकर सेट कर लेंगे, बट ये जो बीच में जो कलर फील है इसको हटाएंगे, क्योंकि कलर फील हमें कलर नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ और इस लीफ को जो है थोड़ा सा हमें क्या करना है इसके राउंड में घुमाना है। बट गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लीफ को छोटा करूंगा, क्योंकि ये जो जो बड़ा सर्कल है मेरा ये बड़े सर्कल के बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसको छोटा करूंगा, थोड़ा आसान होगा हम लोग इसको सेट करना। जस्ट मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ, एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट जस्ट मिनट, ये मैं करता हूँ जस्ट सेकेंड गाइस, ये हो गया सेट। ओके चलो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, ओके
ओके गाइस, तो अभी कुछ हद तक सेट हुआ नहीं ये प्रॉपर थोड़ा सा। चलो अभी अभी आगे देखते हैं कि इसको, चलो ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी हम लोग रोटेटर टूल को लेके यहाँ पे फिर से वही जो उसका पॉइंट होगा मेन पॉइंट को सेंटर में लाके छोड़ेंगे। एक मिनट पहले इसको, नहीं ऐसे नहीं हुआ, फिर से एक मिनट गाइस, मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ उसके बाद करता हूँ। चलो अभी ये ठीक है, अभी ठीक है कुछ ठीक है गाइस, ओके अभी सेट है। चलो तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वही रोटेटर टूल को सेंटर में लाके इसको, इसका जो मेन पॉइंट है सेंटर में लाके फिक्स करेंगे। सेंटर में फिक्स करने के बाद अभी इसको क्या करेंगे पूरी तरह से इसको, ओके ठीक है, यहाँ पे सेंटर में लाने के बाद जस्ट सिंपल है, वही आपको अल्ट बटन प्रेस करना है। अल्ट बटन प्रेस करके 80 डिग्री वहां पे लेके बस यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है। कॉपी बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपको अभी देन क्या करना है, अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करते जाओ, ये आपको कॉपी 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 ढेर सारा कॉपी बना के दे देगा और ये इसकी सेंटर में ही घूमता हुआ चला जाएगा। देखो अब देख सकते हो कंप्लीट हो गया गाइस, अब देख सकते हो अब हमें ये कंप्लीटली हमारा रेडी है। बट हमें बस ये जो सर्कल है जो जो ऐसे इसमें स्टॉक दिख रहा है, मतलब जो इसमें बॉर्डर दिख रहा है उसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए देखो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आसानी से सेलेक्ट हो जा रहा है, बट कभी कभी क्या करो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेयर पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा लेयर डिलीट करना है या तो कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। मैं वो सब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा, ये क्या हो जाएगा डिलीट। ओके अब भाई चूंकि लीफ की जो पत्ती होती है हमेशा ग्रीन होती है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको ग्रीन। ओके ग्रीन हो गया परफेक्टली, ठीक है। कितना प्यारा और कितना जबरदस्त ये एक आपने छोटा सा प्रोजेक्ट कर लिया, मैं सबको एक ग्रुप में कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ग्रुप में भी कर लिया, अब मैं इसको फिर से छोड़ देता हूँ, ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में, बहुत ही प्यारा बात, काफ़ी क्यूट सा आपने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी कर लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट है स्केल टूल। तो यार नेक्स्ट जो टूल हमारा स्केल टूल है गाइस, स्केल टूल में क्या होगा ना, सिंपली यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सबसे सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, अब सर्कल भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ और मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्केल को क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक शिफ्ट और प्लस अल्ट बटन प्रेस करके मैं इसको एक बनाऊंगा, ठीक है। चलो मैं इसको कर लूँगा कॉपी, कॉपी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखो अभी ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस डी करूँगा और ये देखो भाई आप इस तरह शेप में जितना चाहो उतना बना सकते हो। ओके मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अब इसको अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा भी सकते हो, अभी चाहो तो मैं इसको थोड़ा से बढ़ा से घटा भी सकता हूँ और मैं कंट्रोल डी कर लूँगा इसको। ओके आई होप आपको समझ में आया, ये सेलेक्ट करके आप इससे मल्टीपल तैयार कर सकते हो। साथ साथ ही साथ स्केल के और भी वर्क हैं, जैसे मैं इस स्केल की बात करूं, मैं एक फिर से एक रेक्टेंगल ले लेता हूं और इस रेक्टेंगल का भी देखो क्या है, मैं यहां से इसको उठाऊंगा और इसको ने कोना पड़ूंगा और ये जैसे मैं जब अपने शेप से कर सकता हूँ, बट मुझे अगर एक फिक्स शेप में चाहिए होगा, जस्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि अभी मैं एक सर्कल ऐसे मैंने बनाया और ये सर्कल क्या हो फिक्स हो, क्या हो एकदम फिक्स हो, तो फिक्स के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ये देखो मैं शिफ्ट बटन प्रेस कर लूंगा और यहाँ पे देखो शिफ्ट मैंने किया अपने अनुसार, ये मैंने देखो अभी गाइस ये मैं अपने अनुसार ये जैसे भी चाहो आप एक फिक्स शेप में बना सकते हो, रेक्टेंगल चाहिए सर्कल चाहिए और स्क्वायर चाहिए क्या चाहिए आपको ये आप ले सकते हो अपने साथ, देखो ओके एक फिक्स शेप में आपको बना के देगा। ओके चलो तो मैं यहाँ पे अभी इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं फिर रिफैक्ट रिफ्लेक्ट टूल। देखो रिफ्लेक्ट टूल आपका ऑप्शन एक तो यहाँ पर भी मिल जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक करके और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 0, नहीं मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 10, 10 करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलो अभी गाइस मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करके ना मैं इसको थोड़ा सा इसके शेप में चेंज करूँगा, ऐसे करूँगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करूँगा बस ये इसको मैं मुझे पलट देना, ठीक है। क्या करना है इसको जस्ट उल्टा करना है, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो उल्टा हो जाएगा, इस पर करूँगा अप और डाउन डाउन हो जाएगा, ये देखो सॉरी ये फिक्स करता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पे करूँगा ये पूरा पलट जाएगा, देखा आपने ये पूरा टोटल चेंज हो जा रहा है, नहीं अभी ऐसे भी फिक्स नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा टोटल और कुछ और शेप लेते जा ताकि क्या इस आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल भी लूँगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो अभी मैं इसको करता हूँ क्लिक और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको
ग्रुप में। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा, और ये देखो मैं रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना आपको, ये देखो गाइस मुझे रिफ्लेक्ट करना है, कितने एंगल पे करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, कैसे करना है, आप ये कर सकते हो। देखो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल किया गाइस, ये देखो आप चेंज कर सकते हो अपने साथ, कितना एंगल मुड़ा घुमाना है ये आप चेक कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो कितने एंगल पे जाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे कॉपी करके फिर इसमें भी आप कंट्रोल डी कर सकते हो, कंट्रोल डी करोगे आप यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बना देगा। अभी ये अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने बताया था कि आपको रिफ्लेक्ट करके आप इसको बना सकते हो, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हो, इसको कॉपी करके हमें बनाना है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ऐसे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा, और मैं इसको क्या करूँगा, ये जो इसका सर्कल है मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैं क्लिक करूँगा, अल्ट बटन प्रेस करूँगा, उस पर राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंगल, अब मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा, मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अभी क्या हुआ देखो गाइस कि ये सिंपल है, एक ही जगह बहुत सारे ये शेप बना के रख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कॉपी किया है, बट एक ही जगह ये सारा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है, बट इसने एक ही जगह बहुत सारे जो आपने बना के रखा था ये शेप, ये बहुत सारे एक ही जगह बहुत सारे शेप इसने बना के रख दिया था, ठीक है। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, एडिट करता हूँ। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टूल जो है ये है शेयर टूल। शेयर टूल में क्या होगा, जस्ट सिंपल के मैं एग्जाम्पल के लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेते हैं, या तो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं ढेर सारा, जस्ट सपोज कि ये रेक्टेंगल है, और मैं इसमें मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ढेर सारे ऐसे मैं, अब मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, मैं इसको मल्टीपल डुप्लीकेट बनाना बहुत सिंपल होता है, अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा, और अल्ट बटन प्रेस करके पहले यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करिएगा, अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे जितना चाहो आप मल्टीपल बना सकते हो। मैं जाता हूँ यहाँ पे ढेर सारे मल्टीपल बना लूँ, ठीक है, और मैं आप इसको कंट्रोल करूँगा और मैं इसको एक शेप में करूँगा। ओके, और मैं यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके इसको मल्टीपल इसके बना लूँगा। ओके, तो इसके क्या बेनिफिट मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे सपोज अगर मुझे इसको थोड़ा सा तिरछा करना हो, ठीक है, मुझे घुमाना तो कैसे घुमाता हूँ, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, और घुमाने के बाद आप इसको देखो ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, और इसके अलावा गाइस आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप घुमा सकते हो। बट अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन में घुमाना हो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि मुझे अगर ये हाथ है मेरा, अभी मुझे इस हाथ को इस सरफेस मतलब वाई एक्स पे लाना है, एक्स एक्स पे लाना है, ठीक है, ये हमारा वाई एच, और ये एक्स, ये हमारा एक्स एच हो गया, वाई एच हो गया, अभी मुझे जेड एक्स पे लाना है, मतलब एक्स वाई जेड, अगर इन तीनों शेप में लाना है हमें, अगर डिफरेंट डिफरेंट वे में लाना है तो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सब को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यूज करेंगे शेप टूल, शेप टूल को क्लिक करने के बाद हम लोग इसको घुमा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, अभी देखो अभी अपने मर्जी से आप इसको चाहो तो ये इस तरह किया, देखिए हाँ, अगर ये सेंटर ही सेंटर को चाहो तो यहाँ पे ऐसे घुमा के ला दो, अभी देखो अभी आप आसानी से इसको घुमा सकते हो, ठीक है, और मैं इस सेंटर को ला देता हूँ इधर बीच में, मैं इधर ला देता हूँ, अभी देखो कुछ इस तरह से आप बेहतरीन सा कुछ बना सकते हो। ओके, अभी आप चाहो तो कुछ इस तरह से इसको ऐसे ला सकते हो, इसको ऐसे ला सकते हो, इसको आप, ठीक है, 1 मिनट हम लोग इसको पहले फिक्स करते हैं, और गैस इसको हम लोग करेंगे ऐसे बीच में फिर से, और हम लोग इसको कर लाएंगे ऐसे। ओके, कुछ इस तरह से आप गैस अपने अपने अनुसार इसको बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अभी हम लोग इसको अभी डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइट लाइन खींचेंगे, उसके बाद जब पूरी तरह से जब इसको सही तरीके से एक शेप बनाते हैं तब के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, बट ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे टूल हैं, जिसका यूज आप कार्टून या तो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग जब आप करते हो स्पेशल प्रकार का, जैसे कि कोई
रोबोटिक्स आग बनाती हो, कोई कंपनी दिखानी है, कोई दीवार खड़ा करना है, ठीक है, बहुत सारे कोई घर, सब कोई घर बना रहे हो, उस घर में आपको ऐसे दीवार खड़ा करना है, ऐसे दीवार खड़ा करना है, आगे की दीवार करना है, पीछे आगे पीछे की, मतलब ठीक है, लेकिन आपको इस शेप में अगर आपको दीवार खड़ी करनी होती है ना, तब के लिए आपको, मतलब इस शेप में अगर आपको दीवार खड़ा करना है तब के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो ऐसे में आप ये शेप टूल का यूज करते हो। चलो विजिट करते हैं गाइस। इसके बाद गाइस स्पेस बिल्डर्स, देखो यार अगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं इसका यूज कैसे करती हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एग्जांपल गाइस मैंने एक चीज़ बनाया और मैं इसको थोड़ा सा पहले कलरफुल कर लेता हूँ तो क्या आपको देखने में आसानी हो। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक शेप बनाया मैंने, ओके, और मैं एक और शेप बना लेता हूँ, रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ इसी में। चलो मैंने ये बना दिया है, ओके। अब गाइस मुझे क्या करना है ना, मुझे चाहिए कि ये जो कुछ बाहरी ये सब जितने बाहर के हैं, जैसे मुझे इसको काटना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो बाहरी शेप है, ये बाहरी शेप एकदम बिल्कुल भी ना रहे, ओके। सो इससे ये शेप है तो इसके बीच में क्या होगा, मैं पहले इन सबको एक बार सेलेक्ट करता हूँ, ग्रुपिंग कर लेता हूँ। चलो अभी क्या करते हैं कि अभी मुझे इन सबको काटना है, ओके, मुझे इसमें से ये वाला जो शेप है ये हटा देना है, ये हटा देना है मैं चाहता हूँ, और ये मैं रहना देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा, अभी देखो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, देखो अभी इतना शेप ये काट के निकाल सकता है, ठीक है, जितने जितने बॉर्डर पे हैं। मैं इसके लिए अल्ट बटन प्रेस करूंगा और देखो ये क्लिक करके हट गया। अभी मैं यहाँ पे मुझे हटाना है, ये क्लिक करूंगा, अल्ट बटन प्रेस करके रखिए, इसको डिलीट करिए, ऑटोमेटिक क्लिक करिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। मुझे अभी ये वाला शेप हटाने देना है, मैं चाहता हूँ कि हाँ बीच में से ये वाला शेप हटा दूँ, ये देखो गाइस अगर बन गया। अभी आपको चाहिए होगा कि नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा एक दो और शेप यहाँ पे काट दूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखो, ओके सॉरी, ये अभी एक साथ सारे के सारे सेलेक्ट होने चाहिए, सारे ग्रुप में होने चाहिए, मैं सबको एक बार फिर से ग्रुप में कर देता हूँ। चलो अभी आ जाएगा शेप में ये, अभी देखो अल्ट बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे डिलीट करूँगा, अल्ट बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है, फिर से अल्ट बटन प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, और बाकी मैं एक बटन यहाँ से प्रेस डिलीट कर दूंगा, नहीं यहाँ पे इसको आने देते हैं और यहाँ पे होने देते हैं और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ओके। बहुत ही सिंपल आसान हो गया गाइस, इस तरह से आप इस शेप टूल का, शेप बिल्डर का यूज कर सकते हो, ओके। चलो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो ये हटेगा, जब तक कि इस पे आप गाइस, जब तक कि आप यहाँ पे इस पे अल्ट बटन का प्रेस बटन का यूज ना करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, ओके। हाँ अगर आप जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको इसमें से इसमें अगर इस लगा देंगे तो मतलब यहाँ से ऑटोमेटिक कट जाएगा, अगर जितने भी आपके एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट से एक एंकर पॉइंट से मैं दूसरे एंकर पॉइंट तक इसको अगर मिला देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा डिलीट, सॉरी ये नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रास नहीं है, कोई बॉक्स नहीं बना है, वो किनारे किनारे के हैं तो इसलिए ये नहीं ले रहे हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। चलो देखो ये है, अगर मुझे इसके बीच में अगर मैं हटाऊंगा तो ये हट जाएगा बहुत आसानी से, मैं करूँगा ये डिलीट हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डिलीट हो गया, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ इस तरह से हम लोग शेप बना सकते हैं, मैं अभी चाहूँ तो इसको भी डिलीट अल्ट बटन प्रेस किया और ये इस तरह का शेप आ गया, ओके। चलो तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट, मैं सिलेक्शन टूल्स का यूज करके मैं करता हूँ डिलीट, ओके। सो गाइस आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे कलर कोडिंग करते हैं, ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, इस टूल का यूज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद गाइस आई ड्रॉपर कैसे यूज करते हैं, कैसे मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसे कलर आप ला के रख लो, ठीक है, किसी भी टाइप का कलर हो, उस कलर को आप चाहते हो कि अपने जो भी आपका आप फोटो बना रहे हो, जो ग्राफिक्स बना रहे हो, उस ग्राफिक्स में कैसे वो इमेज कलर में डालना चाहता हूँ, तो वो सब के लिए आप आई ड्रॉपर यूज करते हो, तो ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मज़ेदार कुछ वीडियो क्लासेस देखेंगे और कुछ नए नए टूल्स के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद देन मेरे ख्याल से इसके बाद लास्ट होगा, नहीं इसके बाद दो या तीन और वीडियोज बनेंगे, क्योंकि इसके बाद सीधे प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ नए नए प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे, ओके। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। है ओके, बहुत सिंपल है, पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आप बीच में डाल दो, ठीक है, आप सॉरी पैराग्राफ आपको कैसे सेलेक्ट करना, आप आई होप आपने कुछ
वर्ड वगैरह कभी यूज किया हो तो आपको आइडिया होगा ही, ठीक है, कि किस किस टाइप के पैराग्राफ होते हैं। राइट लेफ्ट या तो आप सेंटर में करना चाहते हो तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, उसके बाद है बुलेट्स या नंबर। अगर मुझे चाहिए, अगर मैं ये सारे कुछ बुलेट में चाहिए होगा, मुझे नंबर में चाहिए होगा, तो मैं बुलेट्स या नंबर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने अनुसार, बहुत ही सिंपल आसान। अब यहाँ पे रहते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट है हमारा है टाइप ऑन पाथ टूल। जैसे अगर नाम से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो पाथ का मतलब है कि किसी रास्ते पे टाइप होगा, मतलब कोई भी पाथ हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लूँ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया और राइट क्लिक किया एलिस टूल पे, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ये पूरा सर्कल वाला। और गाइस अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप ऑन पाथ टूल पे क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो टाइप ऑन पाथ टूल हो गया। अभी क्या करेगा ये, जैसे मैं लिखता हूँ कमल टी एन पी, अभी देखो ये क्या किया इसने, पूरा पाथ इस पे जो है इस पे उसने क्या कर दिया, इस पूरे राउंड राउंड पे क्या कर दिया इसने, इसको पूरा फैला दिया। अभी मैं इसमें कम कर लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कम करूँगा, ये देखो इसे क्या किया मैंने, इसको क्या कर दिया, कमल जैन भी करके ये देखो मैंने क्या इसका साइज छोटा कर दिया। अब गाइस सेम इसी तरह अगर आप कुछ भी लेते हो, अगर आपको जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल में लिखना चाहता हूँ, तो ये देखो पाथ टूल पे क्लिक किया और ये देखो, सॉरी 1 मिनट, इसके पाथ पे क्लिक किया और ये देखो, बहुत ही सिंपल आसान होगा। मैं यहाँ पे हटा के मैं यहाँ लिखता हूँ कमल डी एन पी, ओके मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ। ओके पाथ ऑन टूल का मतलब बस ये होता है। अब इसको कैसे सेट करना होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा, तो उसमें समझेंगे कि कैसे किसी टूल्स का यूज करके कैसे उसमें नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे नई नई चीजें बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे। ओके बट अभी हम लोग टूल्स के यूजेस सीख रहे हैं, तो टूल्स के यूजेस में बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ हमने क्लिक किया और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको सेंटर में करना होता है, सेंटर में करने के बाद इसको कैसे आप पूरी फिक्स रूप से इसको अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग दे सकते हो, तो ये सब हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, तो अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, अगर मुझे सिंपल, अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मुझे ये जो उसको बीच में करना है, मैं क्या करूँगा इसको घुमाऊंगा और ये देखो ये हो गया बीच में हो गया, समझ लिख गया। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई आप कोई प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बना रहे हो, तो उस टाइम ये सब चीजें यूज होती हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल टाइप टूल। यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो ये वर्टिकली हमें पूरा यूज लिख के देगा। जैसे मैं लिखता हूँ कमल डी एन पी, मैं लिखता हूँ कमल डी एन पी, देखो लिख दिया कमल डी एन पी, बहुत आसान हो गया, सिंपल तरीके से कमल जेन पे ऐसे लिख दिया वर्टिकल, इसका यही यूजेज है। ओके बहुत सिंपल आसान हो गया, आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टूल का है, क्या है गाइस, कि अभी मैं थोड़ा सा सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी हमें आप रोटेटर टूल का यूज करना सीखेंगे, और रोटेटर टूल के सबसे पहले मैं आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। रोटेटर टूल बेसिकली क्या काम करता है आपकी, कि कोई भी चीज को हमें एक फिक्स सेंटर से कोई चीज कॉपी करके ढेर सारा बनाना हो तो बना सकते हो। कैसे मैं दिखाता हूँ, एक बड़ा सा रेक्टेंगल लिए, छोटा सा रेक्टेंगल सॉरी बड़ा सा सर्कल लेते हैं, फिर उसके उसके पास एक छोटा सा सर्कल लेके हम मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अच्छे इसको सेलेक्ट करके अब मैं करता हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर रोटेटर जो टूल है इसको ठीक बड़े वाला जो सर्कल है इसके जस्ट सेंटर में ला के छोड़ देते हैं, क्या करते हैं सेंटर में ला के इसको जस्ट छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो इसमें जो पॉइंट निकल रहा है, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर में ला के इसको छोड़ देंगे। ओके गाइस जैसे ही सेंटर में ला के आप इसको छोड़ोगे, अब हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसके चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, बहुत आसान होगा। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गाइस यहाँ पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप अल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करोगे, उस पॉइंट पे अल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है। 180 ले लो, वहां पे रेक्टेंगल आप जो भी लेते हो 180 लो, 260 लो, या तो जितना आपको घुमाना वो आप कर ले। तो मैं 180 ले लेता हूँ, 180 डिग्री पे इसको मूव करा के मैं सारा इसको सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। और जो मेन होगा सर्कल जो हमारा है ये आपका बीच में है, ठीक है, उसी के रेडियस को लेते हुए पूरा हम लोगों ने मूवमेंट पूरा ये जो छोटे छोटे जो सर्कल वो बना दिया हमने,
कम्प्लीटली हो गया। आप देख सकते हो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बट इसमें हमें एक कलर फिल करना है। गाइस ये जो राउंड देख रहे हो, ये राउंड को हमें क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ ये राउंड पूरी तरह से रेड हो जाए, ठीक है। और जो ये बीच में जो बड़ा सर्कल है, इसका कलर कुछ मैं और डिफरेंट हो। तो यार इसके लिए देखो क्या करोगे, अगर मैं इसको एक साथ मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, देखो अभी मैंने सेलेक्ट किया, ये तीन चार ही सेलेक्ट हो गया हुआ है, ठीक है। और मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो मतलब बीच में बड़ा वाला भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यार ऐसे में क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसे में एक टेक्निक होगा हमारे पास कि अगर अभी देखो मैंने यहाँ बड़ा सेलेक्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक टेक्निक ये हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे सिंबल ये छोटा वाले को मैं करूंगा, फिर एक शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लूँ, फिर तीसरे वाले को सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट बटन प्रेस करके, मतलब ये सारा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ राइट, बट इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो कुछ ऐसा टेक्निक हो जिसमें कि ये सबको आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो यार देखो आसान तरीका, सबसे पहले मैं बड़े वाला जो होगा इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और मैं ऑब्जेक्ट पे जाके मैं सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाकर मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा इसको। अब मैं लॉक करूंगा, अब बस मैं ये लॉक हो चुका है, अभी ये इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। तो देन कि अब ये छोटे छोटे जो सर्कल है मैं इसको एक साथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कलर फिल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट पे जाके अगेन इसको अनलॉक कर दूंगा, और ये जो बीच वाला सर्कल है इसको मैं जो भी कलर फिल करना चाहूँ, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे ये कलर चूज कर सकते हो। बहुत सिंपल आसान होगा। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो यार छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, एक छोटी सी लीफ का सर्कल बनाएंगे। लीफ मतलब पत्ती जो होती है, जो पेड़ की पत्ती होती है, मैं उसका एक सर्कल बनाऊंगा बनाऊंगा। छोटी पत्ती बनाने के लिए क्या करोगे, पहले दो सर्कल ले लेते हैं हम लोग, एक और सर्कल मैं यहाँ पे लूंगा, और दोनों को क्रॉस करते हुए कुछ इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। और अब क्या करना है गाइस कि हमें इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना। एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, बस जस्ट मिनट। चलो सिलेक्शन टूल से मैं थोड़ा सा अभी एक मिनट। ओके चलो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे पाथ फाइंडर से मैं इसको कटिंग कर देता हूँ उसको, ठीक है। एग्जैक्टली ये कटिंग होगा, और जैसे परफेक्टली ये कटिंग हो गया, अब मैं क्या करूंगा, देखो परफेक्टली कटिंग हो गई, ये एक लीफ की पत्ती की कटिंग हो चुकी है। अब गाइस मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी करके मतलब कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर दूंगा, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका दो 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 लीफ बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करूंगा, रोटेट करा के इसको इस तरह से सेट करूंगा ताकि ये पत्ती की जैसा सेट हो जाए। ओके मैं इसको एक मिनट जस्ट सेट कर लेता हूँ। ओके ये परफेक्टली सेट हो चुका है। थोड़ा बहुत पहली बात तो मैं इसमें थोड़ा सा दूंगा, एक स्ट्रोक दे दूंगा, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर दूंगा ताकि परफेक्टली ये सेट हो जाए और थोड़ा सा ठीक लगे, और ये समझ में आए कि नहीं दोनों अलग अलग पत्तियां हैं, एक ही में नहीं है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप सेट कर लो, ठीक है। चलो ऐसा अभी परफेक्टली इसको थोड़ा सा और जूम करके करें तो और भी परफेक्टली और भी इसमें स्मूथ आएगा, बट अभी ठीक है, अभी हम लोग और ज़्यादा टूल्स नहीं जानते, तो जितना जानते हैं उसी के साथ हम लोग बनाते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके पहले दोनों को ग्रुप में कर लूंगा ताकि दोनों एक हो जाएं। ओके ग्रुप करने के बाद कैसे एक बड़ा सा सर्कल लेंगे ताकि हमें इस जो बड़े से सर्कल के चारों तरफ ये पूरा हमें रोटेट करना है। हम लोग एक मिनट इसको लाकर सेट कर लेंगे, बट ये जो बीच में जो कलर फील है इसको हटाएंगे, क्योंकि कलर फील हमें कलर नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ और इस लीफ को जो है थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसके राउंड में घुमाना है। बट गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लीफ को छोटा करूंगा, क्योंकि ये जो जो बड़ा सर्कल है मेरा, ये बड़े सर्कल के बहुत ज़रा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसको छोटा करूंगा, थोड़ा आसान होगा हम लोग को इसको सेट करना। जस्ट मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ, एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट जस्ट मिनट, ये मैं करता हूँ जस्ट सेकेंड गाइस, ये हो गया सेट। ओके चलो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट। ओके गाइस तो अभी कुछ हद तक सेट हुआ नहीं, ये प्रॉपर थोड़ा सा है। चलो अभी अभी आगे देखते हैं कि इसको, चलो ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी हम लोग रोटेटर टूल को लेके यहाँ पे फिर से वही जो उसका पॉइंट होगा, मेन पॉइंट को सेंटर में लाके छोड़ेंगे। एक मिनट पहले इसको, नहीं ऐसे नहीं हुआ, फिर से एक मिनट गाइस, मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ उसके बाद करता हूँ। चलो अभी ये ठीक है, अभी ठीक है, कुछ ठीक है गाइस। ओके अभी सेट है। चलो तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वही रोटेटर टूल को सेंटर में लाके इसको, इसका जो मेन पॉइंट है सेंटर में लाके फिक्स करेंगे। सेंटर में फिक्स करने के बाद अभी इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको, ओके ठीक है, यहाँ पे सेंटर में लाने के बाद जस्ट सिंपल है, वही आपको अल्ट बटन प्रेस करना है। अल्ट बटन प्रेस करके 80 डिग्री वहां पे लेके बस यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है। कॉपी बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपको अभी देन क्या करना है,
अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करते जाओ, ये आपको कॉपी 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 ढेर सारा कॉपी बना के दे देगा, और ये इसकी सेंटर में ही घूमता हुआ चला जाएगा। देखो अब देख सकते हो कंप्लीट हो गया गाइस, अब देख सकते हो अब हमें ये कंप्लीटली हमारा रेडी है, बट हमें बस ये जो सर्कल जो जो ऐसे इसमें स्टॉक दिख रहा है, मतलब जो इसमें बॉर्डर दिख रहा है उसको हमें डिलीट करना है। तो यार डिलीट करने के लिए देखो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आसानी से सेलेक्ट हो जा रहा है, बट कभी कभी क्या करो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेयर पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा लेयर डिलीट करना है या तो कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। मैं वो सब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा और ये क्या हो जाएगा डिलीट। ओके अब भाई चूंकि लीफ की जो पत्ती होती है हमेशा ग्रीन होती है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको ग्रीन। ओके ग्रीन हो गया परफेक्टली, ठीक है। कितना प्यारा और कितना जबरदस्त ये एक आपने छोटा सा प्रोजेक्ट कर लिया, मैं इसको सबको एक ग्रुप में कर लेता हूँ, ठीक है चलो ग्रुप में भी कर लिया। अब मैं इसको ऑफिस के छोड़ देता हूँ, ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी, बहुत ही प्यारा बात, काफ़ी क्यूट सा आपने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी कर लिया। चलो ठीक है नेक्स्ट है स्केल टूल। तो यार नेक्स्ट जो टूल हमारा स्केल टूल है गाइस, स्केल टूल में क्या होगा ना, सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सबसे सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, अब सर्कल भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ और मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्केल को क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक शिफ्ट और प्लस अल्ट बटन प्रेस करके मैं इसको एक बनाऊंगा, ठीक है चलो मैं इसको कर लूँगा कॉपी, कॉपी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखो अभी ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉपी करने पर मैं कंट्रोल प्लस डी करूँगा और ये देखो भाई आप इस तरह शेप में जितना चाहो उतना बना सकते हो। ओके मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अब इसको अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा भी सकते हो, अभी चाहो तो मैं इसको थोड़ा से बढ़ा सक घटा भी सकता हूँ और मैं कंट्रोल डी कर लूँगा इसको। ओके आई होप आपको समझ में आया, ये सेलेक्ट करके आप इससे मल्टीपल तैयार कर सकते हो, साथ साथ ही साथ स्केल के और भी वर्क है। जैसे मैं इस स्केल की बात करूँ, मैं एक फिर से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इस रेक्टेंगल का भी देखो क्या है, मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और इसको ने कोना पड़ूंगा और ये जैसे मैं जब अपने शेप से कर सकता हूँ, बट मुझे अगर एक फिक्स शेप में चाहिए होगा, जस्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि अभी मैं एक सर्कल ऐसे मैंने बनाया और ये सर्कल क्या हो फिक्स हो, क्या हो एकदम फिक्स हो, तो फिक्स के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ये देखो मैं शिफ्ट बटन प्रेस कर लूँगा और यहाँ पे देखो शिफ्ट मैंने किया अपने अनुसार, ये मैंने देखो अभी गाइस ये मैं अपने अनुसार ये जैसे भी चाहो आप एक फिक्स शेप में बना सकते हो, रेक्टेंगल चाहिए सर्कल चाहिए और स्क्वायर चाहिए क्या चाहिए आपको ये आप ले सकते हो अपने साथ, देखो ओके एक फिक्स शेप में आपको बना के देगा। ओके चलो तो मैं यहाँ पे अभी इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं फिर रिफ्लेक्ट टूल। देखो रिफ्लेक्ट टूल आपका ऑप्शन एक तो यहाँ पर भी मिल जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक स्टार ले लेता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक करके और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 0, नहीं मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 10, 10 करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलो अभी गाइस मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करके ना मैं इसको थोड़ा इसके शेप में चेंज करूँगा, ऐसे करूँगा ठीक है। अभी मुझे क्या करूँगा बस ये इसको मैं मुझे पलट देना है, ठीक है क्या करना है इसको जस्ट उल्टा करना है, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक कर दूंगा ये देखो उल्टा हो जाएगा, इस पर करूँगा अप और डाउन डाउन हो जाएगा, ये देखो सॉरी ये फिक्स करता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पर करूँगा ये पूरा पलट जाएगा, देखा आपने ये पूरा टोटल चेंज हो जा रहा है, नहीं अभी ऐसे भी फिक्स नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा टोटल और कुछ और शेप लेते जा ताकि क्या इस आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल भी लूँगा, ठीक है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो अभी मैं इसको करता हूँ क्लिक और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको ग्रुप में, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा और ये देखो मैं रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कहाँ पे रिफ्लेक्ट करना आपको ये देखो गाइस मुझे रिफ्लेक्ट करना है कितने एंगल पे करना है, हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल करना है कैसे करना है आप ये कर सकते हो, देखो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल किया गाइस ये देखो आप चेंज कर सकते हो अपने साथ, कितना एंगल मुड़ा घुमाना है ये आप चेक कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो कितने एंगल पे जाना है, ठीक है हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल करना है ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके और यहाँ पे कॉपी करके फिर इसमें भी आप कंट्रोल डी कर सकते हो, कंट्रोल डी करोगे आप यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बना देगा। अभी ये अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने बताया था कि आपको रिफ्लेक्ट करके आप इसको बना सकते हो, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हो, इसको कॉपी करके अगर हमें बनाना है जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ऐसे और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा
और मैं इसको क्या करूँगा, ये जो इसका सर्कल है मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके मैं यहाँ पे लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैं क्लिक करूँगा, अल्ट बटन प्रेस करूँगा, उस पर राइट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंगल, अब मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा, मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अभी क्या हुआ देखो गाइस कि ये सिंपल है, एक ही जगह बहुत सारी ये शेप बना के रख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कॉपी किया है, बट एक ही जगह ये सारा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है, बट इसने एक ही जगह बहुत सारे जो आपने बना के रखा था ये शेप, ये बहुत सारे एक ही जगह बहुत सारे शेप इसने बना के रख दिया था, ठीक है। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, एडिट करता हूँ, चलो। तो भाई हमारा नेक्स्ट टूल जो है ये है शेयर टूल। शेयर टूल में क्या होगा, जस्ट सिंपल की मैं एग्जाम्पल के लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेते हैं या तो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं ढेर सारा, जस्ट सपोज कि ये रेक्टेंगल है और मैं इसमें, मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ढेर सारे ऐसे मैं, अब मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, मैं इसको मल्टीपल डुप्लीकेट बनाना बहुत सिंपल होता है, अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा और अल्ट बटन प्रेस करके पहले यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करिएगा, अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे जितना चाहो आप मल्टीपल बना सकते हो। मैं जाता हूँ यहाँ पे ढेर सारे मल्टीपल बना लूँ, ठीक है, और मैं आप इसको कंट्रोल करूँगा और मैं इसको एक शेप में करूँगा, ओके, और मैं यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके इसको मल्टीपल इसके बना लूँगा, ओके। तो इसके क्या बेनिफिट मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे सपोज अगर मुझे इसको थोड़ा सा तिरछा करना हो, ठीक है, मुझे घुमाना हो तो आप कैसे घुमा सकते हो, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और घुमाने के बाद आप इसको देखो ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, और इसके अलावा गाइस आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप घुमा सकते हो। बट अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन में घुमाना हो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि मुझे अगर ये हाथ है मेरा, अभी मुझे इस हाथ को इस सरफेस मतलब वाई एक्स पे लाना है, एक्स एक्स पे लाना है, ठीक है, ये हमारा वाई एच, ये एक्स, ये हमारा एक्स एच हो गया, वाई एच हो गया, अभी मुझे जेड एक्स पे लाना है, मतलब एक्स वाई जेड, अगर इन तीनों शेप में लाना है हमें, अगर डिफरेंट डिफरेंट वे में लाना है तो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सब को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे शेप टूल, शेप टूल पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसको घुमा सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको घुमाएंगे, अभी देखो अभी अपने मर्जी से आप इसको चाहो तो ये इस तरह किया, ये हाँ, अगर ये सेंटर ही सेंटर को चाहो तो यहाँ पे ऐसे घुमा के ला दो, अभी देखो अभी आप आसानी से घुमा सकते हो, ठीक है, और मैं इस सेंटर को ला देता हूँ इधर बीच में, मैं इधर ला देता हूँ, अभी देखो कुछ इस तरह से आप बेहतरीन सा कुछ बना सकते हो, ओके। अभी आप चाहो तो कुछ इस तरह से इसको ऐसे ला सकते हो, इसको ऐसे ला सकते हो, इसको आप, ठीक है, एक मिनट हम लोग इसको पहले फिक्स करते हैं, और गाइस इसको हम लोग करेंगे ऐसे बीच में फिर से, और हम लोग इसको कर लाएंगे ऐसे, कुछ इस तरह से आप गाइस अपने अपने अनुसार इसको बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अभी हम लोग इसको अभी डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइट लाइन खींचेंगे, उसके बाद जब पूरी तरह से जब इसको सही तरीके से एक शेप बनाते हैं तब के लिए इसका यूज करते हैं, ओके। बट ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे टूल्स हैं, जिसका यूज आप कार्टून या तो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग जब आप करते हो स्पेशल प्रकार का, जैसे कि कोई रोबोटिक्स आर्म बनाते हो, कोई कंपनी दिखानी है, कोई दीवार खड़ा करना है, ठीक है, बहुत सारे कोई घर सब कोई घर बना रहे हो, उस घर में आपको ऐसे दीवार खड़ा करना है, ऐसे दीवार खड़ा करना है, आगे की दीवार खड़ा है, पीछे आगे पीछे की, मतलब ठीक है, लेकिन आपको इस शेप में अगर आपको दीवार खड़ी करनी होती है ना, तब के लिए आपको मतलब इस शेप में अगर आपको दीवार खड़ा करना है तब के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो ऐसे में आप ये शेप टूल का यूज करते हो। चलो विजिट करते हैं गाइस, इसके बाद गाइस स्पेस बिल्डर्स, देखो यार अगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं इसका यूज कैसे करते हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एग्जांपल गाइज मैंने एक चीज़ बनाया और मैं इसको थोड़ा सा पहले कलरफुल कर लेता हूँ तो क्या आपको देखने में आसानी हो, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक शेप बनाया मैंने, ओके, और मैं एक और शेप बना लेता हूँ, रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ इसी में, चलो मैंने ये बना दिया है, ओके,
अब गाइस मुझे क्या करना है ना, मुझे चाहिए कि ये जो कुछ बाहरी ये सब जितने बाहर के हैं, जैसे मुझे इसको काटना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बाहरी शेप है, ये बाहरी शेप एकदम बिल्कुल भी ना रहे। ओके, सो इससे ये शेप है तो इसके बीच में क्या होगा, मैं पहले इन सबको एक बार सेलेक्ट करता हूँ, ग्रुपिंग कर लेता हूँ। चलो अभी क्या करते हैं कि अभी मुझे इन सबको काटना है। ओके, मुझे इसमें से ये वाला जो शेप, ये हटा देना है, ये हटा देना है मैं चाहता हूँ, और ये मैं रहना देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा। अभी देखो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। देखो अभी इतना शेप ये काट के निकाल सकता है, ठीक है, जितने जितने बॉर्डर पे हैं। मैं इसके लिए अल्ट बटन प्रेस करूंगा और देखो ये क्लिक करके हट गया। अभी मैं यहाँ पे मुझे हटाना है, ये क्लिक करूंगा, अल्ट बटन प्रेस करके रखिए, इसको डिलीट करिए, ऑटोमेटिक क्लिक करिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। मुझे अभी ये वाला शेप हटाने देना है। मैं चाहता हूँ कि हाँ बीच में से ये वाला शेप हटा दूँ। ये देखो गाइस अगर बन गया। अभी आपको चाहिए होगा कि नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा एक दो और शेप यहाँ पे काट दूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखो। ओके सॉरी, ये अभी एक साथ सारे के सारे सेलेक्ट होने चाहिए, सारे ग्रुप में होने चाहिए। मैं सबको एक बार फिर से ग्रुप में कर देता हूँ। चलो अभी आ जाएगा शेप में ये। अभी देखो अल्ट बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे डिलीट करूँगा, अल्ट बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। फिर से अल्ट बटन प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, और बाकी मैं एक बटन यहाँ से प्रेस डिलीट कर दूँगा। नहीं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं और यहाँ पे होने देते हैं और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल आसान हो गया गाइस। इस तरह से आप इस शेप टूल का, शेप बिल्डर का यूज कर सकते हो। ओके चलो, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो ये हटेगा, जब तक कि इस पे आप गाइस, जब तक कि आप यहाँ पे इस पे अल्ट बटन का प्रेस बटन का यूज ना करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। ओके हाँ, अगर आप जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको इसमें से इसमें अगर इस लगा देंगे तो मतलब यहाँ से ऑटोमेटिक कर जाएगा। अगर जितने भी आपके एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट से एक एंकर पॉइंट से मैं दूसरे एंकर पॉइंट तक इसको अगर मिला देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा डिलीट। सॉरी ये नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रास नहीं है, कोई बॉक्स नहीं बनाया, वो किनारे किनारे के हैं तो इसलिए ये नहीं ले रहे हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। चलो देखो ये है, अगर मुझे इसके बीच में अगर मैं हटाऊंगा तो ये हट जाएगा बहुत आसानी से। मैं करूँगा ये डिलीट हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डिलीट हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ इस तरह से हम लोग शेप बना सकते हैं। मैं अभी चाहूँ तो इसको भी डिलीट, अल्ट बटन प्रेस किया और ये इस तरह का शेप आ गया। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट, मैं सिलेक्शन टूल्स का यूज करके मैं करता हूँ डिलीट। ओके सो गाइस, आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे कलर कोडिंग करते हैं, ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, इस टूल का यूज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद गाइस आई ड्रॉपर कैसे यूज करते हैं, कैसे मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसे कलर आप ला के रख लो, ठीक है, किसी भी टाइप का कलर हो, उस कलर को आप चाहते हो कि अपने जो भी आपका आप फोटो बना रहे हो, जो ग्राफिक्स बना रहे हो, उस ग्राफिक्स में कैसे वो इमेज कलर में डालना चाहता हूँ, तो वो सब के लिए आप आई ड्रॉपर यूज करते हो, तो ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मज़ेदार कुछ वीडियो क्लासेस देखेंगे और कुछ नए नए टूल्स के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद देन मेरे ख्याल से इसके बाद लास्ट होगा, नहीं इसके बाद दो या तीन और वीडियोज बनेंगे, क्योंकि इसके बाद सीधे प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ नए नए प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। ओके सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।